हेलो एवरीवन, आज जिस क्वेश्चन के बारे में या जिस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत ही आसान है। अगर इसका सलूशन करने के लिए कहा जाए तो आप कर लेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे आप बहुत कम समय में और बहुत मतलब सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ये टफ़ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, तो जो टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसी टाइम को सेव करने के लिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे आप बहुत कम समय में, जान लीजिए कि आप इसको सेकंडों में सॉल्व करेंगे अभी देखिए, और फिर मैं इसका डिटेल्स भी बता दूंगा कि कैसे इसको निकाला जाएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी का, चाहे वनडे का, कोई भी हो, उसमें ये आपको, जब आप ये सीख लेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, आप सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, कहने का मतलब कि 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक सेमी सर्कल है जिसका इस परिमाप या पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो देखिए मैं एक लाइन लिखता हूँ, इसका जो पेरीमीटर होगा, ऐसे अगर आपसे कहेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये इसकी लेंथ निकालेंगे पूरा, और फिर आप ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ निकालेंगे, फिर दोनों ऐड करेंगे। लेकिन ये सब ना करना हो, कैसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो देखिए जो इसका पेरीमीटर होता है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ सिर्फ, इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा क्या, 36/7 और इनटू आर कर दीजिए बस। तो ये कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा लगेगा, आर के साथ आर दिया ही है, 36/7 और आर का मतलब कितना हो गया बता दीजिए, 14। तो देख रहे हैं कितना जगह, ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना जगह, 72। अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर में होता तो इसको हम, ये सेंटीमीटर है भी तो इसको हम सेंटीमीटर लिख देते। तो देख रहे हैं एक लाइन में आपने निकाल लिया पेरीमीटर। ऐसे अगर डिटेल्स में आप निकालते तो क्या निकालते, तब सबसे पहले आप देखिए डायमीटर, ये देख रहे हैं, अगर हम इसको ए बी मान ले रहे हैं तो ए बी की लेंथ और प्लस, मतलब जो ये ए बी है आपका, ए बी की लेंथ अगर आप निकालेंगे तो ए बी कितना होगा बताइए, ये 14 यहाँ तक और 14 यहाँ, मतलब टोटल 28 हो गया। और ए बी में आप किसको ऐड करेंगे बताइए, जो ये सेमी सर्कल में जो ये फॉर्म हो रहा है इसकी लेंथ, तो चूँकि पेरीमीटर, अगर हम आप पूछे पूरे सर्किल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, जैसे पूरा सर्किल होता है, अगर रेडियस आर है पूरे का पूछे तो आप कहते हैं कि 2πr होता है, सरकमफेरेंस ही तो होता है, सरकमफेरेंस से पेरीमीटर बात एक ही है, 2πr होता है। तो अगर हाफ का पूछें, हाफ का मतलब इतना पूछें, तो खाली पाई आर हो जाएगा क्योंकि ये 2 हट जाएगा। तो आप इसमें ये 28 में क्या करेंगे, पाई आर ऐड करेंगे, यही तो करेंगे। तो अगर आप पाई आर निकालते हैं तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना, 14। तो देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 44 आएगा, तो 44 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर। मतलब अब आप इतना करेंगे, मतलब अगर आपको हम कहें पेरीमीटर निकालने के लिए, तो आप इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, तब जाके पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन ये सब ना करना हो, डायरेक्ट अगर पेरीमीटर या परिमाप की हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं सिंपली हम 36/7 इंटू आर करके और डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब कहीं कैलकुलेशन इस तरीके के आ जाते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना होगा सेमी सर्किल का, तो आप ये सब ना करके आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, मतलब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड हैं सब के बारे में डिस्कशन करते हैं, और डेली कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कशन किया है। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।